दिल्ली। दिल्ली को दुनिया का रेप कैपिटल बताया जाता है। यहाँ महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का मुद्दा तो कई लोग उठाते हैं, पर कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये ठाना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सबसे पहले अपराधियों के मन में डर पैदा करना होगा। इसीलिए आज गली गली में सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं। महिलाओं को घर से बेखौफ निकलने की आजादी मिले, इसीलिए सरकार कैमरों के साथ साथ स्ट्रीट लाइट अभियान भी चला रही है। अब अंधेरे और डर का अंत होगा। महिला सुरक्षा लेके तो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाए कि हर बस के अंदर एक पुलिस वाले रखते हैं। कोई एक जैसे बस में चढ़ो तो कोई लड़का पीछे से छेड़ता है, आगे से छेड़ता है, वो नहीं करने का हिम्मत रहा। अब मतलब लोगों के अंदर, लड़कों के अंदर ये डर बैठ गया जे नहीं, हम कुछ करेंगे तो अभी पकड़े जाएंगे, पुलिस वाले हैं। बहुत अच्छा सुरक्षा दिया उन्होंने। जैसे अभी अभी रिसेंटली एक केस हुआ हैदराबाद वाला, तो उसका वो बहुत ही दुखद था, तो हम सब महिलाएं हिल गई थी अंदर से। पर अभी क्या है, जैसे हमारे दिल्ली की बात करते हैं, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी केजरीवाल सरकार ने हमें पहले से ही सुरक्षित कर रखा है। जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उससे क्या है, पहले रात हो या दिन हो थोड़ा डर लगता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे, तो पता चल जाता है एक्चुअल कंडीशन क्या है। और लाइट्स की बात करें तो जहाँ पर डार्क स्पॉट था वहाँ सब जगह लाइट्स हो गई हैं, तो रात को निकलने में डर नहीं लगता बिल्कुल भी। बस की बात करो तो बसेस में भी मार्शल भी हैं और फ्री सेवा दे रखी है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में काम किए हुए हैं, अगर और स्टेट भी और सरकार भी इस तरीके से काम करे तो सारी महिला सुरक्षित हो जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ अच्छा करा है, कैमरे भी लग गए हैं, लाइटें भी लगा दी है, अब इधर ऐसे कोई डर नहीं है, हर चीज की सुविधा हो गई है। अंदर गार्ड वो बैठे होते हैं, टिकट भी नहीं लगती है, जब से बस चालू हुई है हम बस में जाते हैं। जो उन्होंने लाइटें लगवाई है डार्क एरिया में, वो बहुत अच्छा हुआ है। उससे क्या है कि हम रात को भी कहीं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन वगैरह छीन लेते थे लोग, उसके लिए फैसिलिटी हुई है लाइटों से। और सेकंड बोलना चाहूँगी, कैमरे से ये है कि आप कहाँ भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अननोन पर्सन आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कौन निकल रहा है, वो सब आप मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा मैं बोलना चाहूँगी बसेस के लिए, बसेज जो फ्री हो चुकी है, फ्री होने की वजह से ये है कि हर कोई ट्रेवल कर रहा है, उससे क्या है ज्यादा लेडीज़ बस में आ रही है। आप अकेला फील नहीं कर रहे, अलोन फील नहीं कर रहे कि भाई रात का समय है तो मैं अकेले कैसे चढ़ूँ बस में, सारे जेंट्स हैं। फ्री होने की वजह से काफ़ी लेडीज़ आ रही है, ये भी है, ऊपर से उसमें मार्शल भी बैठे हुए हैं, जो कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है बस में, कई बार होता है धक्का लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें फैसिलिटी मिल रही है। अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सुरक्षित है हमारे यहाँ पे। और पहले लड़कियां हम नीचे भेजने में दिक्कत होती थी, अब पता कि कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे और हमारे कुछ भी दिक्कत है तो हम देख सकते हैं। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए हम तो इस टाइम बहुत ज्यादा सेफ हैं। जो हमें रात के टाइम थोड़ा अंधेरा होता था, निकलने में डर लगता था, हर जगह लाइट्स लग गई हैं, कैमरे लग गए हैं, इससे बड़ी सेफ्टी हमारे लिए और क्या होगी। कहीं एक छोटा सा सामान लेने भी निकलना होता था, पीछे गलियों में जाना होता था, डर लगता था। इवन मान लो हमारा कोई रिलेटिव है, उसके घर भी मिलने जाना है, गलियों में अंधेरा देख के जाने में भी डर लगता था। आज हमारे पूरे A4 में चारों तरफ कैमरे लग गए हैं, लाइट्स लग गई हैं, उससे हमें निकलने में बिल्कुल कहीं भी डर नहीं लगता।